तो आप सबने सिक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को पढ़ लिया, और पूरे चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आपने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले और बहुत सारे डिफरेंट तरीके सीख लिए। उन सारे तरीकों में आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने में काफी लेंदी और टाइम टेकिंग हो जाते हैं। एक्चुअल एग्जाम में आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, तो एक्चुअल एग्जाम में आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे क्विकली कम से कम समय में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे शॉर्टकट और ट्रिक्स बनाए हुए हैं और आज मैं वो शॉर्टकट और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला ट्रिक जो मैंने आज आपसे डिस्कस करना है वो है रेशियो ऑफ टर्म्स। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे बच्चे जिसमें एक एपी के सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दिया होता है और हमसे पूछा जा रहा होता है कि उन दोनों एपीज का एनथ टर्म का रेशियो क्या होगा। एन की वैल्यू, इस जैसे इस क्वेश्चन में मैंने एन की वैल्यू 8 रखी हुई है। ये क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो करना क्या है आपको, जब आपको एनथ टर्म का रेशियो पूछा जाए, nth टर्म का रेशियो पूछा जाए, nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी बाय nth टर्म ऑफ द सेकंड एपी, जब ये रेशियो पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये सम ऑफ n टर्म का रेशियो है वही लिख दीजिए, वही चुपचाप लिखिए। और लिखिए क्या, 2 टाइम्स n लिखना था, लेकिन आपको केवल एक काम करना है, केवल एक काम करना है, n को रिप्लेस करना है अब 2n-1 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म जो दिया गया है उसमें जो जहां भी एन लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दीजिए 2n-1 से। चलिए जल्दी से रिप्लेस करते हैं, 2n-1 से रिप्लेस कर दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास n+1 है, एन को मैंने फिर से 2n-1 से रिप्लेस कर दिया और 1 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते ही बनता है 4n-2/2n। अगर इसमें n की वैल्यू 8 रख दी जाए तो हमें 8th टर्म का रेशियो मिल जाएगा। अनडाउटेबली n की वैल्यू 8 रख देते हैं, जल्दी से n की वैल्यू 8 रखते ही हमको t8 मतलब 8th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी बाय 8th टर्म ऑफ द सेकंड एपी t8- मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करते ही हमको मिला ये पूरी वैल्यू जो है वो 15/8 हो गया। इसका मतलब उन दोनों एपीज का 8th टर्म का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 15/8। तो देखा कितने क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इट हार्डली टेक्स 10 to 15 seconds टू फाइंड द आंसर। फाइन, सो नाउ दूसरा तरीका सीखते हैं, और ट्रिक टू, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक मैं बताने वाला हूं जिसमें रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया गया होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच का और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के बीच का जो रेशियो है वो पता होता है। मतलब अगर दो नंबर्स हैं से पी और क्यू, और इन पी और क्यू के बीच में जो ए एम और जी एम अरिथमेटिक मीन पी क्यू का और ज्योमेट्रिक मीन पी क्यू का जो है वो एम एस टू एन है, और हमसे पूछा जाए पी और क्यू का रेशियो क्या होगा, मैं क्या कहूंगा पी और क्यू का रेशियो निकालने के लिए, आपको केवल एक काम करना है, पी बाई क्यू इज नथिंग बट एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। सो लेट्स जस्ट अप्लाई इट क्विकली इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन दिखाता हूं जो जेई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है इफ फॉर टू नंबर्स ए एंड बी अरिथमेटिक मीन इज 2 times ज्योमेट्रिक मीन, तो मुझे ए और बी का रेशियो निकालना है। आपको पता है कि ए और बी का रेशियो जो है ए बाई बी जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यू कैन सी हियर जो एम और एन है दैट एम एंड एन, एम इज टू एन इज द रेशियो ऑफ ए एम बाई जी एम। तो अरिथमेटिक मीन बाई ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन बाई ज्योमेट्रिक मीन, Here, arithmetic mean by geometric mean क्या है भाई, 2/1, right? Arithmetic mean by geometric mean is 2/m. इसका मतलब m की value जो है वो 2 है हमारे पास और n की value जो है वो 1 है हमारे पास। This means हमारा जो a by b का ratio होगा वो क्या हो जाएगा, m के जगह रखेंगे 2 plus under root of
टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये है टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस वन रूट थ्री डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है टू माइनस रूट थ्री एंड दैट्स आर आंसर। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट हार्डली टेक्स 20 टू 30 सेकेंड्स बच्चे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेंस 2017 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान से देखें, ए एम बाई जी एम दो नंबर्स का जो है वो दिया हुआ है 5 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ये है 5 एंड दैट इज एम बाई एन, दैट इज वॉट वी कॉल। तो इसका मतलब हो गया एम की वैल्यू हो गई 5, एन की वैल्यू हो गई 1। तो अब हमें नंबर ए और बी चाहिए, तो मैं कहूंगा ए बाई बी जो होगा वो क्या होगा भाई, एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जल्दी से एम और एन की वैल्यू रख देते हैं, एम की वैल्यू हो गई 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 1। लेट अस क्विकली सॉल्व इट, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 24, राइट 24। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ए बाई बी नहीं पूछ करके ए प्लस बी बाई ए माइनस बी पूछा जा रहा है, और ये मैं कैसे निकालूंगा, ए बाई बी में 1 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई बी, और ए बाई बी में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बाई बी, और इन दोनों इक्वेशन को मैं जल्दी से डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, और जैसे डिवाइड करूंगा मुझे मिलेगा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, और वो कैसे मिलेगा भाई, मुझे इस रिजल्ट में 1 ऐड करना है, इस रिजल्ट में 1 ऐड करना है, इसका मतलब हो जाएगा 5 प्लस रूट 24 प्लस 5 माइनस रूट 24। ओके बच्चे, डिवाइड कर देना है इस रिजल्ट में, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5 प्लस रूट 24 माइनस 5, और ये प्लस बन जाएगा रूट 24। सॉल्व करते हैं, 5 और 5 कैंसिल हो गया और रूट 24 रूट 24 कैंसिल हो गया, ये बन गया 10 डिवाइडेड बाई टू रूट 24। इसको आप लिख सकते हो 5 बाई रूट 24। रूट 24 को आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट 24 को लिखा जा सकता है 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट 6, और इसको लिखा जा सकता है 5 रूट 6 डिवाइडेड बाई 12, राइट। सो 5 रूट 6 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा आंसर हो गया, और ये आंसर मतलब ऑप्शन डी मेरा आंसर है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब मैं ट्रिक 3 दिखाने वाला हूं, और ट्रिक 3 जो है वो सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रिक है, जो बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से काम करता है। ट्रिक का नाम रखा है मैंने सब्स्टिट्यूशन, और ये इतना वंडरफुल ट्रिक है कि बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम में जहां कुछ आइडिया ना लगे ये काम करता है, बहुत सारे केस में ये काम करता है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज सी टाइम्स एन स्क्वायर देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स क्या होगा, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म क्या होगा। सिंपल सी बात है, एन टर्म ऑफ एपी जो है वो होता है एस एन, और एस एन में से अगर मैं एस एन माइनस वन निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टी एन मिल जाएगा, एनथ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एस एन में से एस एन माइनस वन को निकाल देते हैं, तो मुझे टी एन जो है वो मिलेगा सी टाइम्स एन का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। ये एनथ टर्म का सम है और ये एन माइनस वन टर्म का सम है। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, दिस इज एन स्क्वायर, ये पूरी चीज जो है वो बन जाएगी 2n माइनस 1 टाइम्स 1। इसका मतलब जो nth टर्म है वो c टाइम्स 2n माइनस 1 का प्रोडक्ट है,
ठीक है, तो ये हमारा nth टर्म मिल गया। अब हमको एक ऐसा सीरीज चाहिए, एक ऐसा सीरीज का सम चाहिए जिसमें हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इस टी एन का स्क्वायर। तो मैं कह देता हूं मान लो एस एन डैश जो है वो है वही सम जो हमको चाहिए, तो वो है सिग्मा ऑफ ये जो टी एन है इस टी एन का स्क्वायर। ओके फाइन, अब मैं काम करने वाला हूं बच्चों, मैं कहूंगा कि एन की वैल्यू अगर मैं वन रख दूं तो मुझे पहला टर्म मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा टी वन मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, और वो क्या है सी टाइम्स टू इंटू वन माइनस वन दैट इज सी। तो इसका मतलब ये है कि एस वन डास जो सम हमको चाहिए स्क्वायर वाले का वो क्या होना चाहिए भाई दिस स्क्वायर, सो वो क्या होना चाहिए सी स्क्वायर टाइम्स टी एन का स्क्वायर किया मैंने। तो S1 डैश जो है मतलब जो जिस सीरीज का हमें सम चाहिए वो क्या होना चाहिए C स्क्वायर। इसका मतलब जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, n की वैल्यू 1 रखूं तो जो मेरा सम आना चाहिए, सम जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए C स्क्वायर मिलना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी रखते हैं ऑप्शन में 1, जल्दी जल्दी रखते हैं ऑप्शन में, जैसे ही हम 1 रखेंगे ये बन जाएगा 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ये वन नहीं है, वन रखते हैं, फोर प्लस वन फाइव हो गया, ये भी वन नहीं है, फोर फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री, यस ये जो है वो वन बन रहा है। व्हाट इज दैट, यही है जो सी स्क्वायर सम दे रहा है फॉर एन इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन के लिए यही है जो सम वन दे रहा है, वन टाइम्स सी स्क्वायर दे रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो है सी। कभी कभी बच्चे आपके पास ऐसे कंडीशन आते हैं कि n इक्वल टू वन के लिए दो दो ऑप्शन मैच कर रहे होते हैं और क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, ऐसे केस में n इक्वल टू टू के लिए भी चल के देख लेंगे, जल्दी से देखेंगे n इक्वल टू टू के लिए जो भी आंसर मैच कर रहा होगा वो यूनिक होगा और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से मैं करके दिखाता हूं, और अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज जो है वो 11 प्लस ओके। तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस सो ऑन सो फोर क्या होना चाहिए। देखो बच्चों सीधी सी बात है, n की वैल्यू, ये सीरीज क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर n की वैल्यू 1 है मतलब केवल एक टर्म की बात करेंगे तो जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो इस पूरे ऑप्शन में n की वैल्यू 1 रखने पे एक टर्म का सम पहला टर्म ही तो आएगा और वो क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। जल्दी से रखते हैं n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे ये आंसर नहीं मैच करने वाला, n की वैल्यू 1 रखेंगे आंसर नहीं मैच करने वाला, n की वैल्यू 1 रखते हैं ये हो जाएगा 10 पावर 1 मतलब 10 माइनस 1 9, 9 और 9 कट गया और ये पूरी चीज क्या हो गई 10 और प्लस क्या हो गया ये 1 हो गया और ये हो जाता है 11, और 11 हो जाने का मतलब ये है हमारा आंसर, ऑब्वियसली नन ऑफ दिस जाने की जरूरत नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज सी, वेल ट्राइड। और आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने में मैंने हार्डली 10 सेकंड का समय लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज जो है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर ये दिया हुआ है, ठीक है। और सम ये तब है जब n की वैल्यू इवन है। अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि n की वैल्यू जब ऑड होगी तो सम क्या आना चाहिए, ये जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, ठीक है। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो n की वैल्यू इवन करने के लिए इसका प्रॉपर तरीका जो है उसको लगाएंगे तो बड़ा टीडियस कैलकुलेशन आ जाता है, उस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बड़ा सिंपल तरीके से यहां बताना चाहता हूं कि अगर मैं n की वैल्यू 3 कर दूं मतलब ऑड रख दूं तो n की वैल्यू 3 रख देने से जो मेरा सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट 3 टर्म का सम 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, 1 प्लस 4 8 प्लस 9 और ये क्या हो गया 18 आ जाना चाहिए। n इक्वल टू 3 के लिए आंसर 18 आना चाहिए, जल्दी से रख लेते हैं n इक्वल टू 3 तो 3 इंटू 3 ये तो हो गया 9 और ये हो गया 9 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 2 तो ये आंसर आ गया
18। और अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये हो गया 3 स्क्वायर 9 हो गया इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये भी हो गया 18। तो अब आप सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में दो दो आंसर 18 पा रहे हैं, तो मैं कहूंगा n इक्वल टू, अब मैं 5 रख देता हूं, n इक्वल टू 5 के लिए हमारा सम बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब यहां मुझे ये वाले दो टर्म और जोड़ने हैं, ये वाले दो टर्म और जोड़ने का मतलब 18 प्लस 25 प्लस 32, ठीक है, जोड़ देते हैं, 32 और 18 जो है वो जोड़ करके हो गया 50, और प्लस ये 25 जोड़ गया, ये हो गया 75, ठीक। अब मैं n इक्वल टू 5 रखूंगा और वो आंसर चुनूंगा जो 75 होने वाला है। n इक्वल टू 5 के लिए बी ऑप्शन में ये आ जाएगा 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 इंटू 3 हो गया और ये बन गया 75। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, ये 75 नहीं बन पाएगा, ठीक। सो दिस वे ये जो सब्स्टिट्यूटिंग सम ऑफ द वैल्यूज और सिलेक्टेड टर्म को लेके आंसर निकालने का तरीका है, ये आप बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से पूरे सिक्वेंस एंड सीरीज में यूज कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपने सब कुछ कर लिया और अब आपके पास और ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पे ये ट्रिक एंड टेक्निक्स आप यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।